दोस्तों, मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ आज मूंग की दाल की कढ़ी। यस, कढ़ी तो आप सबने बनाई ही होगी। क्या मूंग की दाल की कढ़ी बनाई है? नहीं बनाई है तो देरी किस बात की। चलिए शुरू करते हैं। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आप सबको। मैं आप सबसे टिप्स भी शेयर करूँगी, उन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, बहुत ही अच्छी, और घर पर ज़रूर बनाना दोस्तों। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और बताना कि कैसी बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, राधा की रसोई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने एक कटोरी मूंग की दाल ली है। जी हाँ, हरी मूंग की दाल। तो इसे मैंने भिगो कर रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। और अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे, एकदम महीन पीस लेंगे। और पीसने के बाद कुछ इस तरह से हमारा पेस्ट बन जाएगा। और इसको हम एक अपने बाउल में अलग निकाल लेंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कढ़ी बनती है मूंग की दाल की, ज़रूर ट्राई करना और बताना कि कैसी बनी है। अब हम इसको अलग कर लेंगे और थोड़ा सा हम 2-3 चम्मच अलग निकाल लेंगे। इसका हम क्या करेंगे, हम इसे बाद में बताएंगे। आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे केवल 1 चम्मच बेसन। बेसन केवल 1 ही चम्मच लेना है। और इधर मैंने छोटी छोटी काट ली है हरी मिर्च 2, और आधा चम्मच नमक। इनको अच्छे से मिला लेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। और इस तरह से हम छोटे छोटे जो भजिया होती है ना, उसको निकाल लेंगे। एकदम छोटी छोटी निकालना है। और इसको निकालते समय आप सब ध्यान रखें कि गैस जो है एकदम स्लो हो, डालते समय मीडियम हाई हो, और फिर उसको स्लो कर देना है। हमें धीरे धीरे ही भजिए को निकालना है। हमारी बन चुकी है भजिया। आप इसे ऐसे ही चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मैंने लिया है 1/2 लीटर मट्ठा या छाछ, और उसमें डाली है 2 चम्मच बेसन। बेसन को अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि लम्स नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप सब। और ये देखिए, जे मैंने मूंग की दाल बचा ली थी ना 2-3 चम्मच, उस मूंग की दाल को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल, और तेल में डालेंगे ये मेथी दाना, और डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग के बिना तो कढ़ी दोस्तों अधूरी है। और मैंने ली है 2 सूखी हुई लाल मिर्च, और ये गए कड़ी पत्ता। इनको अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद ये हमने जो मट्टी में मिलाया था ना, बेसन और दाल, उन सबको इसमें डाल देंगे। अगर दोस्तों आपको लगे कि आपने जो मट्ठा या दही जो भी यूज़ किया है, अगर वो थोड़ा खट्टा है, तो उसके खट्टेपन के लिए थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मैंने 1/2 गिलास पानी डाला है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मसाले। मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर यूज़ किया है। इनको ऐसे डाल देंगे और पकाएंगे। अब 1/2 चम्मच डाल देंगे नमक। दोस्तों, कढ़ी पकने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए कढ़ी को हमेशा थोड़ा वक्त निकाल के बनाइए। अब कढ़ी पके कब है, कब कच्ची है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये देखिए, हमारी कढ़ी उबाल पर है, इसमें उबाल आ चुके हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे जो भजिए बनाए थे ना उन्हें, और उसको भी अच्छे से पकाएंगे। जब पकते पकते हमारी कढ़ी थोड़ा गाढ़ी हो जाए ना, तो फिर आपको चेक करना है। चेक कैसे करें, पता कैसे चले हमारी कढ़ी पक के रेडी है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। ये देखिए, मैंने लिया है पानी कटोरी में, और ये कुछ ड्रॉप डाल दी मैंने कढ़ी की। इस तरह से आपको डाल देना है। अगर वो कढ़ी के ड्रॉप ऊपर हैं, कढ़ी पानी की सतह पर तैर रही है कढ़ी, तो समझ लेना कि हमारी कढ़ी एकदम रेडी, कढ़ी बन के तैयार है। गैस को कर देंगे बंद। और आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। राधा की रसोई को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।